तो इस देश के मुसलमान और क्रिश्चियनों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ईश्वर की यह सर्वसमावेशक संकल्पना लाने के लिए प्रयास करना है, यहां झगड़े नहीं करने हैं। लेकिन दुर्दैव से ये ध्येय हमारे सामने अभी तक प्रखरता से नहीं आया है, क्योंकि इस राष्ट्र का प्रयोजन ही ये है। ये हमारे सामने हमें स्वतंत्रता के बाद ना शिक्षा में सिखाया जाता है, ना मीडिया में सिखाया जाता है, इसलिए समस्या है। हर बार हर ग्रंथ और महापुरुष हिंदू धर्म तक ही सीमित क्यों सीमित है? अन्य धर्म और महापुरुष अन्य धर्म में नहीं है? किसी भी विषय को लेकर भारतीय हिंदू ग्रंथों से अधिक उदाहरण दिए जाते हैं। क्या अन्य धर्म ग्रंथों से भी सर्वधर्म समभाव के कारण उदाहरण दिए जा सकते हैं? जब यहां सभी धर्मों को माना जाता है तो यहां नमाज के लिए कोई वक्त क्यों निश्चित नहीं किया गया? ऐसे ये सारे जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही राष्ट्र की संकल्पना बताई। इस राष्ट्र की विशेषता यह एकात्म जीवन दर्शन है। उस जीवन दर्शन को का संवर्धन जिन जिन ऋषि मुनियों ने किया है, जिन जिन महानुभावों ने किया है, उन सबको यहां कोट किया जाएगा, उनमें से यहां कोट किया जाएगा। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, क्योंकि वो भगवत गीता भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। सर्वसमावेशक वृत्ति है। जो ये कहता है मेरा ही भगवान सच्चा है बाकी झूठा है, उसको यहां कोट नहीं किया जा सकता। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन हमारी धरोहर तो हमारी विरासत तो हमारा हेरिटेज तो इस देश की संस्कृति है। हमारे खून, हमारे धमनियों में तो खून जो बह रहा है वो तो राम और कृष्ण से आया हुआ है। मालूम है आपको, पाकिस्तान में पाणिनि को कोट किया जाता है, ईरान में सोहराब का नाम लिया जाता है, वे मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो उस देश में जन्मे हुए हैं, इसीलिए हमारे आदर्श है करके उनको कोट किया जाता है। तो हमारे देश में ये सारे जो है, क्या ये हमारे आदर्श नहीं है? हमारे उपासना के लिए ठीक है, मैं शिव जी की प्रार्थना करूंगी, कोई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा, कोई जीसस की प्रार्थना करेगा, लेकिन हम सबकी विरासत जो है वह तो ये सारे ऋषि मुनि हैं, राम और कृष्ण हैं। और जो इस राष्ट्र की भावधारा को पुष्ट करते हैं इस राष्ट्र प्रहरी प्रशिक्षण शिविर में, उनके ही उदाहरण सामने आएंगे। दूसरा, यहां नमाज क्यों नहीं पढ़ा जाता है? मालूम है, यह जो ओम यहां है, इस ओम में सारे देवी देवता, सारी प्रार्थना, सारे शब्द, क्योंकि नाम और रूप ओंकार से आते हैं। यह हमारा सिर्फ विश्वास नहीं है, यह वैज्ञानिक सत्य है। इसीलिए जब हम ओंकार के सामने बैठते हुए प्रार्थना करते हैं, तीन बार ओम कहते हैं, हमने इस विश्व के सारे देवी देवताओं का आवाहन किया है। ऐसा तो कभी कोई कहता नहीं है कि अल्लाह की प्रार्थना नहीं करना है या जीसस की नहीं करना है, क्योंकि वह इस राष्ट्र की मानसिकता ही नहीं है। और इस विश्व के सारे नाम रूप इस ओंकार से आते हैं, यह बताने वाली अपनी संस्कृति है। इसीलिए सारी प्रार्थनाएं जब हम ओंकार को सामने रखकर कर रहे हैं, हो रही है। और कुछ प्रश्न है, लेकिन उसको न लेते हुए मैं एक जो प्रश्न है उसको पूछूंगी, कि उसको सिर्फ लूंगी, कि मन चंचल क्यों होता है? आज के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या कि मन बहुत चंचल होता है। कल भी उसके कुछ उदाहरण आए थे कि ये मन चंचल क्यों होता है। अभी अपना शरीर स्वस्थ रहने के लिए हम इस शरीर को क्या देते हैं? भोजन, विश्राम, व्यायाम, तीनों आवश्यक है,
भोजन, विश्राम, व्यायाम, यह मन स्वस्थ रहे, अपने कार्य के लिए अनुकूल रहे, इसके लिए हमने इसको क्या देना है? भोजन, विश्राम और व्यायाम। अभी हम इस मन को क्या दे रहे हैं, क्या भोजन दे रहे हैं? उदाहरणार्थ अभी शिविर में आप यहां आए, राष्ट्र प्रहरी शिविर में आए, अपने बिहारी लाल जी वो भोजन व्यवस्था प्रमुख है, और वो सोचते हैं अरे ये युवा विशेष युवा है, 2 लाख में से चुनकर आए हुए हैं, तो इन युवाओं को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए इनको क्या करेंगे, सवेरे, दोपहर को, शाम को, 26 तारीख से 27 से क्या देंगे, पकोड़े। पकोड़े यानी सिर्फ पकोड़े, चावल नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, दाल नहीं, चाय नहीं, चाहे जितने पकोड़े खाओ, सवेरे चाहे जितने पकोड़े, दोपहर को चाहे जितने पकोड़े, शाम को चाहे जितने पकोड़े, क्या होगा, आप लोग भाग कर चले जाएंगे, बोले जय बजरंगी भी सह लेंगे लेकिन ये पकोड़े ज्यादा हो गया। अभी सोचिए पेट का क्या होगा वगैरह, ये तो बाद में आएगा, अभी सोचिए आप मन को क्या खिला रहे, पकोड़े, वो भी बासी पकोड़े, किसी ने खाकर झूठन फेंके हुए, सड़े हुए पकोड़े, सिर्फ पकोड़े खिला रहे। हम अपने मन को क्या खिला रहे कि जिससे मन सशक्त हो, सिर्फ पकोड़े खिलाते हैं, उसका व्यायाम हम क्या कर रहे हैं, कितनी है हमारी धारणा शक्ति कि बैठेंगे, तय किया है मैं ये पढ़कर ही उठूंगा, छुट्टियां हैं, मैं शिवाजी का चरित्र पढ़कर ही उठूंगी यहां से, 3 घंटा हम बैठ नहीं सकते हैं, 15 मिनट के बाद इधर उधर देखते हैं, है ना, जैसे कल बात आई थी, हम टीवी भी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ चैनल बदलते रहते हैं, धारणा शक्ति चली गई। हम क्या व्यायाम दे रहे हैं मन को कि करना है या नहीं करना है, कष्ट में डालेंगे तभी वो पक्का होके बाहर आएगा, हमने उसको क्या व्यायाम दिया है नित्य रूप से निरंतर। तीसरा विश्राम, क्या है मन का विश्राम, नींद नहीं है, नींद में तो मन चलता ही रहता है, मन का विश्राम है रोज मैंने क्या करना है मेरा जीवन का ध्येय लेते हुए, इस वीर व्रत का स्मरण करते हुए अपनी मन की सारी शक्ति एकत्रित करना, थोड़ी देर के लिए ध्यान करना, ज्यादा नहीं, रोज 5 मिनट अपने ध्येय का स्मरण कीजिए और उस ध्येय को पाने के लिए सारी शक्ति मेरे अंदर है, मैं पापी नहीं हूं, मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं किसी एक्सीडेंट से जन्मा नहीं हूं, मेरे जीवन का प्रयोजन है, यह मन में लेते हुए रोज थोड़ी देर चिंतन, यह मन का आराम है, यह मन की शक्तियों को एकत्रित करना है। यदि ये हम करेंगे तो ये मन की चंचलता कम हो जाएगी। हम उसको क्या आहार दे रहे, क्या व्यायाम दे रहे, क्या विश्राम दे रहे हैं, इस पर सोचिए। चाहिए तो अपनी एक दैनंदिनी बनाइए और धीरे 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 मन को सुव्यवस्थित कीजिए, आप देखेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता थी, पढ़ने के लिए बैठते थे पूरा किताब पढ़ डालते थे, ऐसी धारणा शक्ति, ऐसी एकाग्रता हम प्राप्त करें, क्योंकि हमें वीर व्रत धारण करते हुए राष्ट्र का प्रहरी होना है और ऐसे राष्ट्र का प्रहरी हम बने। इसी के साथ